फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इजी और सिंपल रेमेडी है, बट ट्रस्ट में ये इतना इफेक्टिव है कि एक बार यूज़ से ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगी। अगर आपके बाल ड्राई और फ्रीजी है और इंस्टेंटली जस्ट इन 15 मिनट्स आप बालों में दोबारा शाइन लाना चाहते हो तो इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए देख लेते हैं इस सिंपल सी रेमेडी को कैसे बनाते हैं, पर इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कई सारे घरेलू नुस्खे के लिए। इस रेमेडी का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एग, यानी कि अंडा। एग इस रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है और आप इसे किसी दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहे तो अंडे की जगह दही यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट इतना इफेक्टिव नहीं आएगा जो आपको एग से मिलेगा। अगर आपके बाल ड्राई है तो आप सिर्फ एग योग यूज़ कीजिए, यानी कि एग का जो येलो पार्ट है वो यूज़ कीजिए। अगर आपके बाल ऑयली है तो आपको एग वाइट यूज़ करना चाहिए, और अगर आपके बाल नॉर्मल है तो आपको पूरे एग को ही यूज़ करना चाहिए। मेरे बाल काफ़ी ड्राई रहते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर एग योग को यूज़ करूँगी। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है एलोवेरा जेल। आपके पास नेचुरल एलोवेरा जेल अगर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये वाओ का 99% प्योर एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। और थर्ड और लास्ट इन्ग्रीडियंट है ऑलिव ऑयल। सबसे पहले हम अंडे को तोड़ के इसका जो येलो पार्ट है उसे सेपरेट कर लेंगे। एग योक को हम एक ग्लास के बाउल में इस तरह से सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे 2 टेबलस्पून्स एलोवेरा जेल, और लास्ट में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑलिव ऑयल। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे और ये कुछ इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसे हमें अपने बालों में कैसे लगाना है। अपने बालों को अच्छे से कंघी कर लेंगे और उसके बाद स्कैल्प से लेके हेयर एंड तक के ये रेमेडी को अप्लाई करना है। ध्यान रखिए, इसे अपने हेयर एंड्स में ज़्यादा अप्लाई करना है, क्योंकि यहीं पर हमारे हेयर ज़्यादा डैमेज होते हैं और ऐसा करने से ये स्प्लिट एंड्स भी प्रिवेंट करेगा। इसे अच्छे से अपने बालों में कोट कर लीजिए और उसके बाद इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट्स के बाद आप रेगुलर शैम्पू और कंडीशनर से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। फर्स्ट यूज़ से ही आपको अपने बालों में एक शाइन नज़र आएगी और बाल काफ़ी स्मूथ और सिल्की लगेंगे। इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार यूज़ करें और 1 महीने के अंदर आपके बालों से फ्रिजीनेस और ड्राइनेस दूर हो जाएगी। ये नेचुरल रेमेडीज़ है तो आपको पेशेंस की भी ज़रूरत होगी। एक ही यूज़ में आपको डिफरेंस तो नज़र आएगी, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू रखना है ताकि आपको एक परमानेंट रिज़ल्ट मिले। तो इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल और इजी है। आपको सिर्फ 15 मिनट्स देना है अपने बालों के लिए, हफ्ते में सिर्फ 2 बार इसे यूज़ करना है और आपके बाल बन जाएंगे बिल्कुल ही स्मूथ, सिल्की और शाइनी, और वो भी नेचुरल तरीके से। सो फ्रेंड्स, आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें और उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिनके बाल ड्राई और फ्रीजी है। और आपके फीडबैक या जो भी सजेशंस है वीडियो के रिलेटेड, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, जिससे बाकी सारे व्यूअर्स को भी हेल्प हो। और इस वीडियो को लाइक करें और नेचुरल सीक्रेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे कई सारे नेचुरल रेमेडीज़ के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।